नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पंकज त्रिपाठी इस बात से नाराज है कि उनकी फिल्म ONG2 को ए सर्टिफिकेट क्यों मिला। पंकज ने कहा कि उनकी फिल्म 12 से 17 साल के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसे में उन्हें इस फिल्म को देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ए सर्टिफिकेट मिलने से टारगेट ऑडियंस ही फिल्म नहीं देख पाएगी। पंकज ने कहा कि जब वे लोग फिल्म बना रहे थे तो उनके दिमाग में भी नहीं था कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलेगा। पंकज के मुताबिक गैंग्स ऑफ वासेपुर के वक्त पता था कि फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि उस फिल्म का नेचर ही वही था। पंकज त्रिपाठी फिल्म ONG2 में अक्षय कुमार के साथ लीड रोल निभा रहे हैं। पंकज ने आगे कहा, मुझे लगता है कि UA और A सर्टिफिकेट के बीच कुछ समाधान निकालना चाहिए। उम्मीद है कि सिनेमेटोग्राफ बिल आने से कुछ बदलाव होगा। इस प्रमोशन इवेंट में यामी गौतम भी मौजूद थी। उनसे ONG2 और गदर के बीच कलेश पर सवाल पूछा गया। यामी ने कहा कि वो सनी देओल की बहुत बड़ी फैन रही है। यामी ने कहा कि वे सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की एक तस्वीर भी रखे हुए है। उन्होंने कहा, गदर 2 की एक अपनी ऑडियंस है, हमारी एक अपनी ऑडियंस है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।